देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 25 जून 2022 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर एक, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 380 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं, 209 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 2098 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 657 नए मामले सामने हैं, 195 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 3480 हैं। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 150 नए कोविड के मामले, 109 रिकवरी और 1 मौत दर्ज की गई, सक्रिय मामले 752 हैं। नंबर चार, हरियाणा में आज 651 नए कोरोना के मामले, 637 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 3099 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 493 नए मामले सामने हैं, 219 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 3322 हैं। नंबर छह, आसाम में कोरोना वायरस के 43 नए मामले सामने हैं, 5 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, कोरोना वायरस की वजह से कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की संख्या 217 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 816 नए कोरोना के मामले, 703 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामले 5180 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में आज कोरोना वायरस के 40 नए मामले सामने हैं, 40 लोग ठीक हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 642 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1359 नए मामले सामने आए हैं, 621 लोग ठीक हुए हैं, कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामलों की संख्या 5912 है। नंबर 10, पौंडिचेरी में आज 42 नए कोरोना के मामले, कोई भी मौत नहीं, 28 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की संख्या 182 है। नंबर 11, गोवा में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 149 नए मामले सामने हैं, 128 रिकवरी हुई है, कोई भी मौत रिपोर्ट नहीं की गई है, सक्रिय मामले 926 है। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 98 नए मामले सामने हैं, दौरान 42 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 462 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए, इस दौरान 85 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 785 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3981 नए मामले सामने आए हैं, 3044 लोग ठीक हुए हैं, 11 लोगों की मौत हुई है, राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 26837 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 95 नए कोरोना के मामले, कोई भी मौत नहीं, 70 ठीक हुए हैं, सक्रिय मामले 482 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 30 नए मामले सामने आए हैं, 4 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 177 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए हैं, 21 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 259 हैं। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं, 1 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, इस दौरान 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 6 हैं। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 152 नए मामले सामने आए हैं और 67 लोग ठीक हुए हैं, इस दौरान 1 मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 576 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 61 नए मामले सामने हैं, दौरान 67 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 401 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का 1 नया मामला सामने है, दौरान 1 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 5 है। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4205 नए मामले सामने हैं, 3752 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, कोरोना वायरस की वजह से 3 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामले 25317 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में आज 620 नए कोरोना के मामले, 507 डिस्चार्ज और 1 मौत दर्ज की गई, सक्रिय मामले 3536 हैं। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1447 नए मामले सामने हैं, 1694 रिकवरी हुई है, कोरोना से 1 मौत हुई है, सक्रिय मामले 5507 रह गए हैं। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने हैं, दौरान 1 लोग डिस्चार्ज हुए, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 5 है। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 82 नए मामले सामने हैं, दौरान 71 लोग डिस्चार्ज हुए, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 643 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 54 नए कोरोना के मामले, 24 रिकवरी दर्ज की गई, कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 250 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 15 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 35 नए मामले सामने आए, इस दौरान 11 लोग डिस्चार्ज हुए, 1 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 142 हैं। तो ये थे आपके राज्यों की 24 घंटे के कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।